जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कंप्यूटर सिस्टम्स को सिक्योर करने के लिए अब भारत का नया इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम माया को इंट्रोड्यूस किया है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ये अब किस प्रकार से हमारे संस्थानों के जितने भी डेटा हैं उनको कैसे सिक्योर और प्रोटेक्ट करेगा। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। हम सभी जानते हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने डेटा को आपका प्रोटेक्ट किया करती है। मेनली हम विंडोज का इस्तेमाल करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, लेकिन रिसेंटली पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि काफ़ी साइबर अटैक्स की घटनाएं हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में हुई हैं, चाहे वो सिविल का आपका सेक्टर हो या फिर हमारे डिफेंस का सेक्टर हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं, आप सभी जानते हो, जैसे कि चाइना हो गया, तो वो हैकिंग के माध्यम से हमारे डेटा को स्टोल करना चाहता है, चुराना चाहता है। और इस चीज को देखते हुए काफी लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था कि भारत का खुद का एक स्वदेश निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए, और अब ये सपना पूरा भी हो चुका है। भारतीय हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा माया ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर दिया है, जिससे कि किसी प्रकार का मैलवेयर, रैंसमवेयर के अटैक को आपका न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। अब जानते हैं कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो माया ऑपरेटिंग एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि Ubuntu Linux पर आपका बेस्ड है, और ये एक फ्री ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स है जिसका इस्तेमाल अब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए करेंगे। माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारी 3 गवर्नमेंट एजेंसीज के प्रयास से मिलकर बनाया गया है। ये हैं, पहली तो हमारी DRDO हो गई, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग दैट इज द CDEC, और तीसरी है NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जो है इस आपके Ubuntu बेस्ड माया ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाया है, जिसका मेन एडवांटेज ये रहेगा कि इसका सिमिलर इंटरफेस विंडोज की तरह आपका फंक्शन तो करेगा, लेकिन ये हमारे डेटा को सबसे अधिक आपका प्रोटेक्ट करेगा। इसमें आपका एक फीचर लगाया गया है जिसका नाम है चक्रव्यू। चक्रव्यू है जो कि एंड पॉइंट एंटी मेलवेयर और एंटी सॉफ्टवेयर के तरह आपका कार्य करेगा, और यूजर को और इंटरनेट को किसी भी प्रकार के हैकर के एक्टिविटी से रोकने में मदद करेगा, और हमारे जो सेंसिटिव डेटा है वो किसी भी प्रकार से बाहर नहीं जा सकेंगे। अगर कोई अटैक भी करेगा तो सबसे पहले हमको सूचना मिल जाएगी और हमारा सिस्टम खुद अपने आप को जो है सिक्योर करके अपने डेटा को सुरक्षित रख पाएगा। व्हाट इज Ubuntu एंड इज इट रियली मोर सिक्योर देन विंडोज, क्वेश्चन ये भी उठता है, क्योंकि विंडोज का इस्तेमाल तो पूरी दुनिया करती है ज्यादातर, लेकिन बात करते हैं Ubuntu की। तो Ubuntu जो एक लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है जो कि अपने हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। अनलाइक विंडो विच हैज अ लार्ज नंबर ऑफ मेलवेयर एंड वल्नरेबिलिटीज ड्यू टू रनिंग मोर सर्विसेज एंड इट बैकवर्ड्स कॉम्पैटिबिलिटी, Ubuntu हैज वेरी फ्यू मेलवेयर एंड एक्सप्लॉइट्स। देखिए, विंडोज का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, विंडोज काफी आपके एप्लीकेशन को चलाता भी है, तो उसमें क्या हो जाता है कि कोई भी उसके अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन ऐसा Ubuntu में बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने आप को अपडेट बनाए रखता है, ओपन फ्री सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसका काम यह है कि ये इंस्पेक्ट, मॉडिफाई और इम्प्रूव अपने कोडिंग के साथ निरंतर आपका होता रहता है, और इसको थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर के सहायता से हमेशा आपका सिक्योर किया जाता रहा है। और हमारी जो DRDO, NIC और CDEC है, उन्होंने इसी सिस्टम का प्रयोग करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम माया को आपका डेवलप कर दिया है, जिससे कि हमारा सिस्टम काफी सिक्योर रहेगा और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड जितने भी डेटा हैं उनको हम आपका प्रिजर्व कर पाएंगे। अब ये जो क्रिएटर्स हैं माया के, ये कैसे आए? तो देखिए, जो माया ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका पहला आइडिया 2021 में आपका आया था, क्योंकि भारत 2020 में 2021 में काफ़ी साइबर अटैक्स भारत के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और हमारे संस्थानों में किए गए थे। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस का जो हमारा है उसको फॉरेन एक्टर से बचाने के लिए ये प्रयास किया गया, ये विजन रखा गया कि हमको खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, जिसको मंजूरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा दी गई। और जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो आपका रिलायबल तो उतना है नहीं, इस कारण से हमने ये सोचा कि अब हम खुद का एक इंडिजीनियस सिस्टम बनाएंगे और इसको अपने तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को आपका देंगे, जिससे कि वो अपनी बेहतर तैयारी कर पाए।
माया का अर्थ क्या है? तो माया एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है इल्यूजन, यानी कि भ्रम। आप हैकर को ही भ्रम में डाल दोगे कि भाई अगर वो सोचेगा कि मुझको अटैक करना है तो वो एक तरीके से उसके चक्रव्यूह में फंस जाएगा। चक्रव्यूह क्या है? मल्टीपल डिसेप्टिव लेयर है, उसको खुद नहीं समझ में आएगा कि मुझको कहां पर जाना है। और उतने ही समय में वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अपने डेटा को सुरक्षित रख लेगा और जो यूजर है उसको जानकारी दे देगा कि अब साइबर अटैक आपका हो चुका है, जैसे कि सभी लोग जो है आपका ऑपरेशन और एक्टिव हो जाएं और अपने डेटा को सुरक्षित कर सके। चक्रव्यूह जो है एंशियंट इंडियन मिलिट्री फॉर्मेशन है। आपने महाभारत पढ़ा होगा, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को रोकने के लिए चक्रव्यूह द्रोणाचार्य के द्वारा बनाया गया था, जिसके 7 चक्र थे और चक्रव्यूह वही तोड़ सकता था जो चक्रव्यूह के सिस्टम को जानता था। लेकिन आज का चक्रव्यूह माया ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि दुश्मन को भ्रम जाल में डाल दे। अब माया को कब आपका डिप्लॉय किया जाएगा? तो अभी ये इवेल्यूशन स्टेज पे है और 15 अगस्त से पहले ही आपको इसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा और इसका जो चक्रव्यूह प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको भी इसके साथ आपका इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जितने हमारे अदर कंप्यूटर रिमेनिंग सिस्टम्स हैं उसको माया ऑपरेटिंग सिस्टम से इस साल के अंत तक आपका कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि सभी हमारे इंस्टीट्यूशंस अपने आप को सिक्योर कर पाए। अभी क्या राइट डायरेक्शन है माया ऑपरेटिंग सिस्टम की? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर आप न्यूमरस साइबर अटैक्स और सिक्योरिटी ब्रीचेस देखो तो देखिए 2019 में भारत का जो सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट, भारत का सबसे बड़ा है कूडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तमिलनाडु में है, यहाँ पर आपका अटैक हुआ था, यहाँ की जानकारी चुराने का प्रयास किया गया था। मुंबई पावर ग्रिड आउटेज 2020 में यहाँ पर आपका साइबर अटैक हुआ। ऑयल इंडिया लिमिटेड और स्पाइस जेट में आपका रैंसमवेयर की घटनाएं देखी गई। गोवा फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम को भी आपका हैक कर लिया गया था। तो इस प्रकार से जब मल्टीपल इंसिडेंट देखे गए तो अब ये आपकी ये हमें ऐसा लगा कि हमको खुद का अपना इंडिजीनियस सिस्टम बनाना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो आप सभी जानते हो कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी होती है जो कि कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेज को आपका मैनेज करता है, उसको ऑपरेट करता है। इसका खुद का एक इंटरफेस होता है जो कि सॉफ्टवेयर और डिफरेंट पार्ट्स को आपका, चाहे वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसमें तालमेल बैठाता है और सिस्टम को जो है चलाने में आपका मदद किया करता है। काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे विंडोज़ है, एप्पल है, iOS है, Ubuntu है, यूनिक्स है ना, ब्लैकबेरी है, तो ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हमने क्या चुना है? Ubuntu को चुना है ना, क्योंकि Ubuntu हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है अपने डेटा को और भी सिक्योर बना सकेंगे। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स, रिटर्न कोर्सेज जैसे कि NDCDs, MNS टेरिटोरियल आर्मी, ACC में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। इसके लिए आप सभी Warrior10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।